प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फकर यूसुफजई को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया लायखान जी, जो कि न सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि चर्चा करेंगी प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके मुख्तार अंसारी पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। यहां तक के कांग्रेस की सरकार ने नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक कभी भी जनता को भी कन्विंस करने की और जनता को अपने समर्थन में लेने की कोशिश भी नहीं की, कभी नहीं की। यहाँ तक के कांग्रेस की सरकार ने नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक एक बात हमेशा जनता के कान में दिया, राम मंदिर बनेगा तो अरब तेल नहीं देगा। बिल्कुल। कश्मीर से 370 हटाओगे तो कोई तिरंगा झंडा पकड़ने वाला नहीं होगा। जी बिल्कुल। ये चीजें बता बता करके सबके दिमाग में इतना डर बैठा दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर वो बहुत क्रिएटिव है, अगर वो बहुत स्मार्ट है, अगर उसके अंदर बहुत सारे एक्स फैक्टर है, तो भी वो चुप होकर के बैठ जाता था कि भाई सरकार तो हमने मेरे को मदद करने वाली है नहीं, तो वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे कैसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने छोटी से छोटी चीज को उठाया और उसको एक प्रोजेक्ट की तरह दिखाया और उस पर इम्प्लीमेंट किया। किसको पता था कि हमारा हैंडलूम, हमारा तांत जो है वो यूएस और यूके लेकर जाएगा? किसको पता था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो कारपेट बनते हैं, जो ऊन के जो कपड़े बनते हैं, वो स्विट्जरलैंड लेकर के जाएगा? ये तो किसी को पता ही नहीं था। कोई वहां पर दिमाग ही नहीं लगा रहा था कि हॉलीवुड की शूटिंग जो है वो कश्मीर में भी हो सकती है। ये तो कांग्रेस की सरकार दिमाग ही नहीं लगा रही थी। तो बहुत छोटी छोटी चीजों को भी भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत इनहांस किया और बहुत बड़े बड़े मुद्दों को भी इनहांस करके और उसको प्रोजेक्ट के द्वारा इंप्लीमेंट करके उन्होंने भारत की सुरक्षा को भी बहुत सुरक्षित किया। जैसे अग्नि 5 और मुर्मुगांव, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा, लेकिन इस पर कभी भी कांग्रेस की सरकार ने बात ही नहीं किया। हमें बार बार पाकिस्तान धमकी देता था, वो भी जो कर्ज में है कि न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, और भारत के लोगों को मनमोहन सिंह से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के सब डराते थे कि अरे भाई कुछ मत करो, मुसलमानों को उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज पे भी कुछ मत करो, नहीं तो पाकिस्तान बदला ले लेगा। आज अगर पाकिस्तान ये बात बोलता भी है तो हम ये कहते हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमारे पास भी अग्नि 5 और मुर्मुगांव है, अब बताओ क्या करोगे। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि जनता को अपने कॉन्फिडेंस में लेना ये नेता का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और सबसे बड़ा आर्ट होता है। अब क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिल्कुल सही। और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री दोनों गुजरात से आए हुए हैं और दोनों इतने बिजनेस माइंडेड है कि हम किसी को नाराज ना किए बिना हम अपने देश की तरक्की के लिए भी सोचेंगे और अपने देश की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। आप सोचिए कि किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे भारत में इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन चल जाएगी। Exactly. किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे भारत में अंडर वाटर अंडर सी ट्रेन चलेगी, किसी ने नहीं सोचा था। अच्छा, किसी ने नहीं सोचा था, नासा ने भी नहीं सोचा था कि इसरो इतना स्मार्ट हो जाएगा कि नासा को बीट करके वो चांद पे झंडा लहरा दिया जाएगा, साउथ पोल पे। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर होता है या अपने आप को बहुत कमजोर फील करता है तो उसको एनकरेज करना पड़ता है, नहीं यू कैन डू दिस, तुम कर सकते हो, यू आर राइट, कर सकते हो। कह रही है। तो ये करने से भी क्या हुआ कि भारत को ना एक प्रोवोकेशन मिला, एक हिम्मत मिली कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जब 4 घंटे सो करके वो पूरे दिन चौकीदार की तरह काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आप मुझसे फकर भाई अगर 5 साल पहले बात करते ना तो आई वॉज लाइक ठीक है ना, क्या ही इन्फ्लेशन पे बात करना, ठीक है ना, क्या ही जीडीपी बात करना। पर जैसे जैसे हम अपने अवतार को, अपने लीडर को, अपने मेंटोर को जब हम देखते हैं ना कि वो इतने एनर्जेटिक है तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो सुबह 6 से लेकर के 12 बजे रात तक हम काम करते हैं और उसके बाद भी कोई फोन आता है तो हाँ ठीक है चलो ना रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हमारा भारत एक ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो चुका है कि कोई भी देश हमसे मन मुटाव तो नहीं रखना चाहता है। या इस दुनिया के सारे देश हमसे एक अच्छा संपर्क, इवन एक्वेंटेंस नहीं बल्कि फैमिली बन करके रहना चाहते हैं सारे देश।
Exactly. ये बहुत बड़ी चीज है, किसी को फुलाने के लिए ना इमोशनली भी उसके क्लोज होना पड़ता है, कमर्शियली तो होना ही पड़ता है, स्ट्रेटेजिकली तो होना ही पड़ता है, पर इमोशनली भी होना पड़ता है, और यही ऑरा हमारे भारत के प्रधानमंत्री का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे ख्याल में अभी जैसी इलेक्शन होंगे तो ये बेनिफिट जो है ये इंडिया को तो लाजमी बात है कि जा रहा है, जो फायदा उनको हुआ या हो रहा है, और या जो लोग कॉन्फिडेंट है, जिस तरह आप बात करिए इसमें कोई शक नहीं है कि आपका ग्रोथ रेट 8 है, 642 बिलियन यूएस डॉलर्स मौजूद है आपके पॉकेट में, तो ये मेरे ख्याल में से कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस शॉर्ट से कमेंट्स आपसे चाहूंगा, ये मुख्तार अंसारी का मैं भी केस पढ़ रहा था, क्लेम किया जा रहा है कि जी स्लो पॉइजन और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन थोड़ा सा इनकी बैकग्राउंड और फिर ये जो कह रहे हैं क्लेम कर रहे हैं, क्या हकीकत है इस हवाले से? और सुना है कि प्यूनल बहुत बड़ा था, सॉरी आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन कहते कि बहुत बड़ा जनाजा पड़ा गया इनका, ये भी मैं कुछ वीडियोस कुछ इंडियन दोस्तों के ट्विटर पे देख रहा था तो मुझे नजर आया। देखिए आपने भी कानून पढ़ा है, आपने पाकिस्तान का पढ़ा है और मैंने भारत का पढ़ा है। बेशक जुडिशियल कस्टडी के ड्यूरेशन में किसी को मर्डर कर देना, किसी को मार देना, इट्स नॉट एन इजी गेम जी, इट्स नॉट एन इजी गेम, इतना आसान नहीं होता है। कोई व्यक्ति 2005 से 2024 तक जुडिशियल कस्टडी में था और अचानक से कह दिया गया कि उसको पॉइजन दे दिया गया, तो पहले ही दे दिया जाता, पहले ही दे दिया जाता, इतने सारे उसको दामाद बना करके जेल की सलाखों में इतनी लैविश लाइफ क्यों दी गई? और मुख्तार अंसारी कोई आरोपी की तरह, अक्यूज की तरह जेल में नहीं रह रहा था, पूरी लैविश लाइफ उसको दी जा रही थी। तो हालांकि तब भी मैंने सारे नेशनल न्यूज पे फकर भाई बैठ करके कहा है कि ये उसके बेटे का हक है कि वो सर्वोच्च न्यायपालिका जा सकता है, वो न्यायपालिका जा सकता है, वो कहीं पर भी इंक्वायरी करा सकता है, वो सीबीआई से करा सकता है, वो कुछ भी करा, वो सीआईडी से करा सकता है, वो एसआईटी कमेटी बैठा सकता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, भाई किसी का बाप मरा है और बाप चोर हो, चक्का हो, या रेपिस्ट हो, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, तो इमोशन सबके बराबर होते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में एक बार फिर भारत के मुसलमानों ने ये तो बता दिया कि गैंगस्टर के सपोर्ट में है, गैंगस्टर के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। याकूब मेमन के जनाजे में जब मुसलमान सैलाब लगा बना करके गए थे जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए, और उसी दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी के जनाजे की नमाज में मुसलमानों ने शिरकत नहीं की थी, तो उस वक्त भी हमें एहसास हो गया था और देश को भी एहसास हो गया था कि मुसलमान कैसे लोगों के जनाजे में और कैसे लोगों के खुशियों में शिरकत करना पसंद करते हैं। अब बात ये भी समझनी चाहिए कि मुख्तार अंसारी कोई सभ्य आदमी नहीं था, कोई सभ्य हाँ, लेकिन वो बहुत डिग्निफाइड, बहुत हाईली क्वालिफाइड फैमिली से जरूर था, मैं इस बात को इनकार नहीं करता। अच्छा, सही सही सही। उसके दादा वो ब्रिगेडियर थे। ओके, और इंडियन आर्मी के एक बहुत बड़े शेर थे। ओके, उनके दादा अब्बू के नक्शे कदम पर अगर मुख्तार अंसारी उतरता तो शायद आज सर मत्थे बिठाया जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया। पुलिस के घर में भी चोर पैदा हो ही जाता है, बेशक हो सकता। तो एक व्यक्ति जो 65 क्रिमिनल केसेस का आरोपी था और वो तब जेल नहीं गया है और ये एफआईआर तब नहीं फटे हैं जब बीजेपी की सरकार थी, भाई ये 65 क्रिमिनल केसेस तब दर्ज हुए जब कांग्रेस की सरकार थी, 2005 में जब वो जेल कस्टडी में गया तब भी कांग्रेस की सरकार थी, 8 केसेस में जब वो गैंगस्टर रजिस्टर्ड एक्ट में जब वो कन्विक्टेड हुआ तब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब वो योगी आदित्यनाथ को मर्डर करने की कोशिश कर रहा था मुख्तार अंसारी जेल के अंदर से बैठे बैठे, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, जब वो फिरौती के नाम पर हिंदू माँ बहनों को निर्वस्त्र करता था, किडनैपिंग करता था, गले काटता था, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो आज अचानक से पॉइजन की बात आन पड़ी है, और देखिए मैं तो पॉइजन की बात को कंप्लीटली डाल रही हूँ कि भाई डिपेंड ऑन कोर्ट, लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, और कोर्ट पर और कानून पर अगर भरोसा है मुसलमानों को तो कर सकते हैं, अदरवाइज चले जाए इंटरनेशनल कोर्ट, चले जाए अरब, वहां से न्याय मांग करके ले आए। द सेकेंड थिंग इज के बुरहान को भी शहीद बनाया था भारत के मुसलमानों ने, राइट, याकूब मेमन को भी शहादत दे दिया था मुसलमानों ने, अफजल गुरु की फांसी पर शर्मिंदा भी होता था भारत का मुसलमान, तो
तो भारत के मुसलमानों ने एक नहीं लाखों बार इस बात को समझाया है और बताया है कि भारत का मुसलमान हमेशा फलस्तीन हमास जैसे आरोपियों के समर्थन में है, आईएसआई के समर्थन में है, हाफिज सईद के समर्थन में है, ऐसे ऐसे जिहादी और जमजू टाइप के लोगों के समर्थन में है। लेकिन अभी जो नया कानून हमारा आया हुआ है, जो हमारा भारतीय शिक्षा अधिनियम जो आया है, उसके हिसाब से सेडिशन जो है क्लॉज 150, ये जितने लोग ऐसे गैंगस्टर के जनाजे में जो उद्धमबाजी किए, जो उन्होंने माहौल को गरम करने की कोशिश की है, ये क्लॉज 150 के द्वारा वो सारे लोगों को भी आइडेंटिफाइड करके जेल डाला जाएगा। 144 लगा हुआ था और सारी चीजें बहुत पीसफुल करने की डीएम साहिबा ने बता दिया था कि किसी भी तरीके का कोई सेंटिमेंटल बात या किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को हार्म पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल संयम से अपने ग्रीफ को दिखाते हुए, अपने इमोशन को दिखाते हुए आप जनाजा लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें ये बारात लेकर के आना और उद्धमबाजी करना, ये सही नहीं था, क्योंकि एक आरोपी मरा, एक आरोपी मरा है भाई, और वो हार्ट अटैक से मरा है। दूसरी चीज मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो कोई मतलब हट्टा कट्टा आदमी नहीं था मुख्तार अंसारी, हाई शुगर पेशेंट था, दो बार हार्ट अटैक आ चुका था और तीसरी बार रोजे के दौरान आ ही सकता है, बॉडी वीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा की भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में और खासकर मोदी जी को अवतार बताया, और दूसरी ओर बात की मुख्तार अंसारी के बारे में और उसके जनाजे के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।